जय माता दी। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज आपको बताने जा रही हूँ मीन राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2022। मित्रों, अभी तक हमने मेष से लेकर कुंभ राशि के बारे में बताया है कि कैसा रहेगा उनका साल 2022। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वीडियोस देख सकते हैं। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। तो कैसा रहने वाला है साल 2022 मीन राशि वालों के लिए, तो शनि बृहस्पति और राहु केतु की वार्षिक गोचरीय दृष्टि बताती है कि आपका साल कैसा जाने वाला है। तो शनि आपके मकर राशि में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु वृष राशि में 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि में भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये वर्ष आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं 13 अप्रैल 2022 को अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में आपके केंद्र में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। यदि आप नौकरी बदलाव चाहते हैं, बदलना चाह रहे हैं, कोई अच्छी जगह करना चाह रहे हैं या व्यापार आप कोई दूसरा भी शुरू करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के साथ साथ कोई अन्य कार्य भी शुरू करेंगे, यानी कि अन्य व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, परंतु 13 अप्रैल से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आपको पैसे को सोच समझ के खर्च करना है। यदि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लें, उसके बाद ही पैसे को इन्वेस्ट करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मार्च, अप्रैल, मई में आपने विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ आपको शुगर, बीपी व पेट की समस्या होती दिखाई दे रही है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जून से आपका विदेश योग बन रहा है। यदि आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाह रहे हैं या विदेश से आप किसी भी प्रकार से जुड़ना चाह रहे हैं, कोई व्यापार करना चाह रहे हैं या विदेश में जाकर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा साल 2022? तो विद्यार्थियों के लिए साल 2022 बहुत अच्छा रहने वाला है। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेशन करें, क्योंकि कंसंट्रेशन करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपने जो फील्ड चूज करी है उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यदि आप IAS, IPS या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम है। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान थे, किसी भी कारणवश विवाह होने में परेशानी आ रही थी, तो इस वर्ष आपके विवाह का पूर्ण योग है। नवंबर दिसंबर तक आपका विवाह हो जाएगा। जिन नव दंपतियों के अभी तक संतान नहीं थी, संतान सुख को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अप्रैल से संतान सुख का योग बन रहा है। आने वाला वर्ष आपके लिए हर प्रकार की सुख और खुशियाँ लेकर आ रहा है। धन, यश, वैभव बहुत अच्छा आपका आने वाला वर्ष रहेगा। धन व आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, परंतु सितंबर से आपने अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जरा सी लापरवाही आपके जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है, तो आने वाले वर्ष में अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पैसे कमाने के चक्कर में इतने बिजी ना हो जाएं कि उसका असर स्वास्थ्य पर दिखाई दे, तो स्वास्थ्य का बहुत आपने ध्यान रखना है। कैसा रहेगा मीन राशि का पारिवारिक जीवन आने वाले वर्ष में? तो आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। माता पिता का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप आने वाले वर्ष में कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, उसमें आप अपने यदि पार्टनर को शामिल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त के महीने में थोड़ी सी माता को समस्या होती दिखाई दे रही है, तो इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। अब आने वाले वर्ष में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन को सुखी व समृद्ध बनाए? तो आपने बृहस्पतिवार को पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना है, पीले वस्त्र ज़रूर धारण करने हैं, आप अन्यथा कोई एक हैंकी भी रख सकते हैं। पहला निवाला पीला और मीठा खाना है। हर बृहस्पतिवार को जो भी आप निवाला पहला खाएंगे,
वे मीठा और पीला होना चाहिए। गाय को रोटी पर हल्दी, गुड़ व चने की दाल डालकर नियमित खिलाना है। यानी कि आपने रोज गाय को रोटी पर गुड़, हल्दी, चने की दाल डालकर खिलाना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने वीरवार से शुरू करना है, 40 दिन तक रोज पढ़ना है। उसके बाद आपने हर बृहस्पतिवार को पढ़ना है। ऐसे करने से आपके जीवन में आने वाले वर्ष में हर प्रकार की खुशियाँ आएंगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि मीन राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2022। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें। अपने चैनल एस्ट्रो फाइनेंशियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ। डेली पंचांग रहता है, आपका रोज का राशिफल रहता है कि कैसा रहने वाला है आपका रोज का दिन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।